someone is greeting. So what do you comprehend about this word? Okay. So we will discuss in detail that what is grit and how it is developed in students. So first of all, let's talk about success. कामयाबी क्या है और टीचर्स जो हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है, उनकी ये विश होती है, उनका ये एम होता है कि उनका हर बच्चा एक कामयाब बच्चा बने। यानी वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो कामयाबी सिर्फ उस सब्जेक्ट की हद तक उनका मकसद नहीं होता, बल्कि उनकी ये उम्मीद होती है कि उनका हर बच्चा जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन पाए। यही तालीम के जो आला मकासद हैं उनमें से एक मकसद भी है। तो कामयाबी जो है वो एक बहुत ही, या सक्सेस जो है एक सब्जेक्टिव चीज का नाम है। उसको हर शख्स अपने लिहाज से डिफाइन करता है। हर शख्स की सक्सेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए टीचर्स का काम ये है कि वो स्टूडेंट्स को जो उनका पर्सपेक्टिव है सक्सेस का, उसको बेहतर तरीके से समझने और जो ट्रू सेंस में सक्सेस है उसको कॉम्प्रिहेंड करने और उस तक पहुंचने में फैसिलिटेट करें, उनकी हेल्प करें। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि सक्सेस क्योंकि हमेशा से एक बज़ वर्ड रहा है और दुनिया के यानी माजी में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हर शख्स जो है वो इसकी खोज में लगा रहा है कि ये राज क्या है, क्या चीज़ है जो इंसान को कामयाबी दिलाती है। आपको बेशुमार लिटरेचर मिल जाएगा, बेशुमार किताबें मिल जाएंगी इस मौजू के ऊपर कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो माजी में ये समझा जाता था कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो जिनके अंदर कुछ खास सलाहियतें पाई जाती हैं, और वहां से कॉन्सेप्ट आया हमारे पास इंटेलिजेंस का, जहानत का, कि कुछ लोग जो हैं दुनिया में जहीन होते हैं और जो लोग जहीन होते हैं वो ही दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह की एक मिथ जो है वो आ, आ, पाई जाती थी, खास तौर पे उस दौर में जब वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ कैडेट जो है वो बेस करता था एक इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर। फिर वक्त बदला और उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, और उन्होंने अक्सर तमाम पिछले कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दिया जो इंटेलिजेंस थ्योरीज पे बेस करते थे। मसलन जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ ज़हानतें हैं और वो ज़हानतें जो हैं वही उसको कामयाब बनाती हैं और उसको दूसरे इंसान से जो है वो मुशख्खस करती हैं, प्रोमिनेंट करती हैं। तो जब इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें पिछली तमाम ज़हानतों को अक्सर मुस्तरद कर दिया गया कि इंसान जो है उसके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी अगर वो अपने और दूसरों के जज्बात को समझने और उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, तो वो उस शख्स पे सबकत हासिल कर लेगा जिसके पास वो वाली ज़हानतें जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में डिस्कस की गई थी। जैसे कोई शख्स जो है वो वर्ड स्मार्ट है, कोई शख्स जो है लॉजिकल स्मार्ट है, कोई शख्स जो है एनालिटिकल है, म्यूजिकल है, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, ये सारी जो इंटेलिजेंसेस डिस्कस की गई हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो इमोशन इंटेलिजेंस की थ्योरी ने उसको यकसर मुस्तरद किया और बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि इंसान को अपने और दूसरों के जज्बात पे जितना उबूर हासिल होगा, जितना कंट्रोल और जितनी अवेयरनेस होगी, उस कदर वो कामयाबी की राह तक आगे बढ़ सकेगा। आपके ख्याल में क्या है, क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है? क्योंकि इसके लिए हम बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि तमाम टीचर्स जो हैं वो इस सेशन में हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट आता है हम यही चाहते हैं कि इसके अंदर वो स्किल्स पैदा करें कि ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी आगे की ज़िंदगी में जो है ये कामयाबी से हमकिनार हो। तो अगर आपके जहन में कोई और चीज़ है तो आप मैसेज करके आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं।
ठीक है जी। तो इसी तरह का एक एक थ्योरी जो है वो एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो है कॉइन किया, और उस कॉन्सेप्ट की जो पाइनियर हैं हम उनकी बात करते हैं, डॉक्टर एंजेला डकवर्थ। शी इज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, और उन्होंने वहाँ पे कई साल ग्रिट को स्टडी किया, सेल्फ कंट्रोल को स्टडी किया, और उन्होंने एक किताब भी लिखी ग्रिट के ऊपर। 2016 में ये किताब पब्लिश हुई, और इन्होंने बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो पिछले कॉन्सेप्ट जो इमोशनल इंटेलिजेंस के थे या इंटेलिजेंस के थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये क्या चीज़ है, आज हम आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा 45 मिनट्स का सेशन है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर डिस्कस कर सकें। हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रिट, व्हाट इज टैलेंट, व्हाट इज इंटरेस्ट, यानी ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। पैशन क्या है, परसिवरेंस क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने के लिए ग्रिट हम अपने अंदर कैसे पैदा करें, और जो लोग जिनमें ग्रिट होता है, जो ग्रिटी पीपल होते हैं उनको हम यहाँ पे ग्रिट पैरागॉन्स कह रहे हैं, उनकी क्या खसूसियात, क्या सिफात होती हैं, और हम उनकी वो सिफात अपनी लाइफ में कैसे इंकल्केट कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के अंदर कैसे ये चीजें हम पैदा कर सकते हैं, कुछ इसकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज की आज हम बात करेंगे। तो ग्रिट को ये डिफाइन इस तरह से करती हैं कि ग्रिट इज अ कॉम्बिनेशन और अ ब्लेंड ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, अपनी जिंदगी के बुलंद अहदाफ को हासिल करने के लिए ये एक कॉम्बिनेशन है पैशन और परसिवरेंस का। पैशन को हम उर्फ आम में शौक कहते हैं उर्दू में, कि हम किसी चीज का शौक रखते हैं, और परसिवरेंस जो है वो मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। तो इन्होंने ये स्टडी किया कि दुनिया में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो साइंस की, मैथमेटिक्स की फील्ड हो, उसके अंदर जो लोग बहुत बड़ा नाम बना पाए हैं, बहुत अचीवमेंट्स कर पाए हैं, उनके अंदर ये चीज़ कॉमन नज़र आती है। क्या चीज़? ग्रिट। जैसे हमने कहा कि ग्रिट जो है वो कॉम्बिनेशन है पैशन और परसिवरेंस का, यानी उन अशखास के अंदर पैशन और परसिवरेंस जो है वो पाई जाती है जिसकी बिना पे वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर पाते हैं। पैशन को इस तरह डिफाइन करती है कि पैशन एक सस्टेन्ड कमिटमेंट का नाम है, यानी कमिटमेंट्स कोई छोटी कमिटमेंट भी हो सकती है, बड़ी कमिटमेंट भी हो सकती है, यानी एक चीज ऐसी है जो आज आपका शौक है, मुमकिन है कल वो आपका शौक ना रहे। तो पैशन जो है एक सस्टेन्ड कमिटमेंट का नाम है, अपने आप से किया हुआ एक ऐसा वादा, अपने आप से की हुई एक ऐसी कमिटमेंट जो आपकी जिंदगी भर आपके अंदर सस्टेन करे, जो आपके अंदर मौजूद रहे, जो किसी सूरत खत्म होने का नाम ना ले। और परसिवरेंस जो है वो सस्टेन्ड एफर्ट का नाम है, यानी एक ऐसी जद्दोजहद जो हमेशा कंटिन्यू रहे, हमेशा आपके अंदर मौजूद रहे अपने हदफ, अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो जिन लोगों में ये पैशन और परसिवरेंस जो है वो कमाल की हद तक पाया जाता है, उनको हम ग्रिटी कह सकते हैं, कि वो शख्स जो है उनमें ग्रिट पाया जाता है। अच्छा, इनकी ये जो रिसर्च है, अगर आप इनकी किताब स्टडी करें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उस किताब में इन्होंने मुख्तलिफ डोमेन्स के लोगों पे रिसर्च की है, मुख्तलिफ लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, और उसके बाद जाके इन्होंने इस चीज़ पे जो है डिफरेंट पेपर्स भी पब्लिश की हैं, किताब भी पब्लिश की है, कि ये वो चीज़ है जो इंसान को सक्सेस दिलाती है। हत्ता के स्पेलिंग भी कॉम्पिटिशन्स में, चेस कॉम्पिटिशन्स में भी जो विनर्स होते हैं उनके अंदर ये कॉमन डिनोमिनेटर पाया जाता है, ये जिसको हम सिग्नेचर करेक्टर स्ट्रेंथ भी कहते हैं, कि उनके अंदर जो एक मखसूस और मुश्तरक सलाहियत है वो ये ग्रिट है। अच्छा, जैसे पहले कहा जाता था कि कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, और आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा जो है वो टैलेंटेड बच्चा हो, और हम हमेशा ऐसे बच्चों की प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो टैलेंट जो है बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि अगर आप कोई भी चीज़
ट्राई करते हैं तो आप उसको कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैथ्स का कोई सवाल है जो एक टैलेंटेड स्टूडेंट को दिया जाए तो शायद वो निस्बतन जल्दी सॉल्व कर ले उस बच्चे के जो के टैलेंटेड नहीं है मैथ्स में। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा टैलेंटेड है वो ग्रेटी भी है, ये जरूरी नहीं। टैलेंट इस चीज का नाम है, टैलेंट इस चीज का नाम है कि आपको अगर किसी भी चीज का एक्सपोजर मिले, कोई काम करने को मिले, तो आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कर लेते हैं। जबकि ग्रिट इस चीज का नाम है कि आप मुस्तकिल कितनी एफर्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उस गोल को हासिल करने के लिए। यानी एक शख्स जो जिसको कोई मैथ्स का सवाल दिया जाए सॉल्व करने के लिए और वो हिम्मत ना हारे और वो कोशिश पे कोशिश किया जाए, डिस्पाइट ऑफ फेलियर वो अटेम्प्ट किया जाए कि मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, तो ऐसा जो बच्चा है वो ग्रिटी कहलाएगा। और इसी ग्रिट की बिना पे हम कहते हैं कि ये चीज जो है ये कामयाब लोगों की सिग्नेचर स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो अगर हम ऐसे लोगों को स्टडी करें जिनको हम ग्रिट पैरागॉन्स कह रहे हैं, यानी वो लोग जिनको देख के हम सीख सकते हैं कि ग्रिट कैसे पैदा की जाती है या किन क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लिया जाए तो आपके अंदर ग्रिट आ जाएगी। तो इन्होंने इनका ये कहना है कि जो भी हमारे अंदर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बेसिकली टोटली हमारे डीएनए या हमारी जेनेटिक्स पे बेस्ड नहीं करती। यानी ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है वो किसी जहीन शख्स के घर में पैदा हो गया तो अब वो भी जो है वो जहीन होगा, बल्कि एक इंसान जब ये बात दर कर ले कि उसने कोई चीज सीखनी है तो हमेशा जो है देर इज अ रूम फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी वो अपने डीएनए को जो है खुद से चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी आदतों को, अपनी स्किल्स को अपडेट और अपग्रेड कर सकता है। तो ये जो लोग कामयाब हो रहे हैं जिनके अंदर ग्रेड पाई जाती है वो किस बुनियाद पे हो रहे हैं, उनकी कुछ आदतें हैं, उनकी कुछ बिलीव्स हैं, उनकी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मखसूस उनका एटीट्यूड है और उनके कुछ मेंटोर्स हैं जो उनको इस कामयाबी के दर्जे तक लेके आए हैं। तो उनके अंदर ये चार चीजें हैं जो देखी गई कि जो भी लोग ग्रिट जिनके अंदर मौजूद है उनके अंदर ये चार चीजें जो है जरूर मौजूद होती हैं। पहली चीज जो है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करता है? इंटरेस्ट जो है वो जस्ट लाइक अ सीड ऑफ पैशन, यानी इंटरेस्ट जो है वो पैशन की तरफ रगबत दिलाता है और इंसान के अंदर पैशन को डेवलप करता है। अब शौक आपको बहुत सारी चीजों का होगा, मसलन कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, वो ये कह रहा है कि मुझे जो है वो बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है लेकिन वो खेलता नहीं है। तो अगर सिर्फ वो शौक रखेगा तो शौक की बुनियाद पे वो बास्केटबॉल का चैंपियन नहीं बन सकता। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये जिक्र करती हैं कि एक डेलिब्रेट प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड है, और डेलिब्रेट से इनका मुराद ये है कि आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना है और इसके साथ साथ एक फीडबैक का एलिमेंट भी होना चाहिए कि आप रोजाना मखसूस औकात में पाबंदी के साथ उसी चीज की प्रैक्टिस करें जो चीज आप के अंदर जिसका शौक पाया जाता है। तीसरी चीज जो है वो है पर्पस, यानी उस चीज का मकसद, यानी आपकी जो शनाख्त बनने जा रही है उसके पीछे एक वाय होता है। वो वाय ये बताता है कि आप ये चीज क्यों हासिल करना चाहते हैं, आपके अंदर इस चीज का शौक क्यों है। तो ये जो पर्पस है ये बेसिकली इसको पीरियड ऑफ इंटीग्रेशन विद योर आइडेंटिटी भी कहा गया है कि ये आपकी शनाख्त से मुंसलिक होता है कि आपकी ये पहचान बन जाता है कि दुनिया आपको इस काम की बुनियाद पे पहचानती है। मसलन कोई भी शख्स अगर हम मिसाल लें, मसलन अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जो है दुनिया में एक क्रिकेटर के तौर पर पहचाना जाता है। अगर हम किसी टेक्निकल डोमेन में बात करें और हम साइंटिस्ट की बात करें तो जब भी एडिसन की बात आएगी, आइंस्टाइन की बात आएगी, तो ये लोग साइंटिस्ट के तौर पे पहचाने जाते हैं। यानी इनका जो शौक था इन्होंने उसकी इतनी प्रैक्टिस की और पाबंदी के साथ, दिलजमाई के साथ उसकी प्रैक्टिस की
कि अब वो उनका मकसद बन गया, उनकी पहचान बन गया। चौथी चीज जो ये बताती हैं वो है होप, यानी पुर उम्मीद रहना, किसी चीज की उम्मीद रखना। तो इनका ये कहना है कि जितने भी मेच्योर पैरागॉन्स ऑफ ग्रिट हैं, जितने भी ग्रिट के ऐसे अशखास हैं, ऐसे लोग हैं जिनको देख के ग्रिट सीखी जा सकती है, जो कि रोल मॉडल्स हैं ग्रिट के, वो हमेशा होपफुल रहते हैं, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, वो हमेशा पुर उम्मीद रहते हैं डिस्पाइट ऑफ द फेलियर्स। यानी ऐसा नहीं मुमकिन कि कोई शख्स किसी चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे और उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो चीज मिल जाए। ये बड़ा आइडियल सिनेरियो होता है। तो एक ग्रिटी शख्स के लिए जरूरी है कि वो हमेशा होपफुल रहे, पर उम्मीद रहे, जिसकी बुनियाद पे वो अपने फेलियर को भी अपनी एक लर्निंग समझता है और दोबारा से तैयार हो जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए। यानी आप जब भी किसी वर्स्ट के सिनेरियो में आते हैं, जब भी आप पे कोई बुरा वक्त आता है, तो एक ग्रिटी शख्स जो है वो गिव अप नहीं करता, जबकि एक आम शख्स जो है वो गिव अप कर जाता है ये कह के कि भाई ये काम इस तरह से नहीं हो सकता। और जो ग्रिटी शख्स है वो उसका दूसरा कोई तरीका सोचता है कि चलो एक मेथड मेरा फेल हो गया, तो मुझे अब कुछ चेंज करने की जरूरत है। और ये जो चेंज वो करता है ये उन्हीं लोगों में होता है जिनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट पाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट की भी हम आगे बात करेंगे। यानी वो अपने प्रोसीजर को, अपने मेथड को अडेप्ट करता है एज पर सिचुएशन। और ये जो चीजें हैं जिसको हम कह रहे हैं कि भाई अडेप्ट करना, कोई नई चीज सीखना या ग्रोथ शो करना, ये आता ही तब है जब आपके ऊपर कोई चैलेंज के हालात पैदा हो जाते हैं। यानी जब आपके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है तभी आपकी ग्रोथ नजर आती है, अदरवाइज यू विल रिमेन इन योर कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। तो ये जो चारों चीजें बात की हैं, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस एंड होप, ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि मैलिएबल हैं, जिनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिनको आप अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, और ये आपकी कल्चर और आपकी सोसाइटी के सपोर्ट से ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। क्या दुनिया में कोई मखसूस अफराद हैं जो ग्रिटी हो सकते हैं, या हर कोई शख्स ग्रिटी हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने जो कमाल रखा है वो हर इंसान के लिए यकसां उसको अवेलेबल रखा है, यकसां मौजूद है। जो शख्स कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करेगा, वो शख्स जो है वो कमाल तक पहुंच जाएगा। तो पर्सनल एक्सेलेंस जो है वो उसी शख्स को मिलेगी जो मेहनत से जो है कभी भी गुरेज नहीं करेगा और मुस्तकिल आगे बढ़ने के लिए आमादा रहेगा। तो हर शख्स जो है वो ग्रिटी हो सकता है, और ये इंसान का यानी जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो ये चीजें भी आपकी इंक्रीज होती जाती हैं। यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, स्पेशली दोज विच प्रोड्यूस दी हार्ड लर्निंग्स, ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके ऊपर कुछ ऐसी लर्निंग्स छोड़ के जाएं जिन जिनको आप कहते हैं कि भाई एक मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो जो बुरा एक्सपीरियंस है वो भी आपके लिए बहुत सारी लर्निंग्स अपने अंदर रखता है कि नेक्स्ट टाइम जो है आप उससे कैसे एहतियात कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैं ये स्केल है, ये मैं कमेंट्स में शेयर करता हूँ, आप ये फुर्सत में कभी अटेम्प्ट कीजिएगा। ये एंजेला डकवर्थ ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है ग्रिट स्केल का, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, और जब आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपका ग्रिट स्कोर भेजेगा कि हाउ ग्रिट इज यू आर। सो यू पीपल मस्ट अटेम्प्ट दिस स्केल फॉर सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको भी आइडिया हो कि आपके अंदर ये पैशन और परसिवरेंस वाली चीज जो है किस हद तक पाई जाती है। तो मैं ये इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं इसको अटेम्प्ट कर सकें। और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह के, जितने भी स्केल्स होते हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी से होता है या सोशल साइंसेस से होता है, ये एक हद तक तो वैलिड होते हैं, लेकिन इनका कतई मकसद ये नहीं होता कि अब आपके ऊपर एक टैग लग गया है और आप मसलन इतने ही
ग्रिटी हैं। अगर आप कुछ ऐसे बाद इसको अटेम्प्ट करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये इसका स्कोर चेंज भी होता है। तो मैंने ये जूम की चैट में अभी ये लिंक शेयर किया, आप इसको अपने पास कहीं सेव कर सकते हैं किसी नोटपैड की फाइल में। इसको हम फेसबुक के अपने जो है लाइव के कमेंट में भी शेयर कर लेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप ये अटेम्प्ट करें, ये क्वेश्चन आए जो है 10, इसमें आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जब आप अटेम्प्ट करें तो अपना स्कोर जरूर जो है वो हमसे शेयर कीजिएगा। वापस आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम जरा एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इंटरेस्ट एंड ग्रिट। कि जो चीज आपका शौक है या जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है, मीनिंग इंटरेस्ट और पैशन को इन्होंने अलग अलग रखा है। यानी इंटरेस्ट क्या है, आपकी किसी चीज के अंदर दिलचस्पी, किसी खेल में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकती है, आपकी कोई भी किसी भी चीज के अंदर दिलचस्पी हो सकती है। तो दिलचस्पी का ग्रेड से क्या ताल्लुक है? तो एक सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि डू यू लव व्हाट यू डू, कि जो काम आप करते हैं क्या आप उस काम से मोहब्बत करते हैं, क्या आप उस काम को पसंद करते हैं? क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा शख्स देखा है जो कि बहुत ग्रेटी हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा हो जिसको वो पसंद करता हो? तो ऐसा आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि भाई मैं जो काम करता हूँ ये काम मुझे कतन पसंद नहीं है, और वो आपको उस फील्ड में कामयाब नजर आए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो कहें कि भाई मैं इस फील्ड में जो है वो बाय चांस आ गया, इत्तेफाक से आ गया, लेकिन अगर वो उस फील्ड में कामयाब हुआ है, इट मीन्स कि अब वो उसका शौक बन चुका है, अब उसके उस काम में दिलचस्पी है। इसकी आसान सा इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है या नहीं, या जो आप जॉब कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, तो आप ये देखिए कि अगर आप कोई काम रोजाना करें, कोई भी एक्टिविटी आप रिपीट करें ऑन डेली बेसिस, लेकिन आप उससे बोर ना हो, तो उस काम को कहा जा सकता है कि ये आपका शौक है। मसलन अगर किसी शख्स का ये शौक है कि वो बागबानी करे, कोई शख्स जो है उसको अपना एक किचन गार्डन मेंटेन करने का शौक है, किसी शख्स को कोई चीज मतलब शायरी पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है, तो वो कभी इस काम से बोर नहीं होगा कि वो बोले बस 2 दिन मैंने कर लिया, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं ये अगले महीने करूंगा या अगले हफ्ते करूंगा। तो जो शौक होता है इंसान उससे कभी बोर नहीं होता। इसी तरीके से जैसे हमने बात की कि इंटरेस्ट जो है वो आपको हमेशा जिस चीज में मिलेगा वही चीज आपको ग्रिटी बनाएगी, यानी ग्रिटी लोग जो होंगे वो हमेशा अपने शौक को फॉलो करेंगे। अब बच्चों में ये चीजें कैसे डेवलप की जाएं, तो उसके लिए शौक पैदा करने के लिए खेल जो है वो एक बहुत अहम टूल होता है। यानी छोटे बच्चों को खेलों से नहीं रोकना चाहिए, उनको उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत जुड़ी होती है मुख्तलिफ जो है वो खेलों के साथ। तो वो अफराद जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा नाम बना पाते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या स्क्वाश हो, तो उनको बचपन में कभी ना कभी एक ऐसा एक्सपोजर जरूर मिला होता है जिसमें उनको अप्रिशिएट किया गया होता है उस खेल के अंदर। तो एंजेला डकवर्थ ये कहती हैं कि जब बच्चे अपने बचपन में हैं तो उनको खेल उनके लिए बस एक एक्टिविटी होना चाहिए, जस्ट फॉर फन, बजाय इसके कि उनको ये कहा जाए कि भाई आपने इस स्पोर्ट में एक्सेल करना है या यही स्पोर्ट आपका करियर बनेगा, या आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर आपको जो है रोजाना प्रैक्टिस करनी है। बचपन में हर शख्स को ये आज़ादी, यानी बच्चों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी का स्पोर्ट या अपनी मर्जी का प्ले जो है वो खेल सके। और ये जो एक्टिविटी है खेल कूद की, ये हेल्प करती है कि कोई शख्स जो है वो अपने आप को खोज सके या अपने आप को डिस्कवर कर सके, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो मुख्तलिफ चीजों में वो
उसकी सीरियसनेस आ जाती है। लेकिन शुरू में जो है खेल को सिर्फ और सिर्फ एक इंजॉयबल, एक फन एक्टिविटी के तौर पे आप बच्चों को देना चाहिए, कि उन, उन उनको इससे कोई मकसद नहीं होना चाहिए, ना वालदेन का ना टीचर्स का, कि ये खेल इसलिए खिलवाया जा रहा है ताकि इसको कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करवाएं या इसको हम कोई इस स्पोर्ट का स्टार बनाएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम अपने शौक को किस तरह से अनकवर करें, या अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो शौक है उनको कैसे अनकवर करें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे बच्चों से इस हवाले से इंक्वायर किया, तो मुख्तलिफ बच्चे कहते हैं कि हमारा कोई शौक ही नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का शौक नहीं है। ज्यादा इंक्वायर करो तो वो कहते हैं हमारा ज्यादातर वक्त जो है वो गेम्स खेलने में गुजरता है, शायद हम उसका शौक है। तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी शख्स का मुस्तकबिल में क्या चीज उसका पैशन बन जाएगी। हम हमेशा अपना अपने आप को जो खोजते हैं या अपने आप को जो एक्सप्लोर करते हैं वो एक्सपीरियंसेस से करते हैं। यानी अगर किसी बच्चे को जिंदगी में कभी भी एक्सपोजर नहीं मिला बास्केटबॉल खेलने का, तो वो कभी नहीं कह सकता कि मुझे बास्केटबॉल पसंद नहीं है या मुझे बास्केटबॉल पसंद है और मैं उसका चैंपियन बनना चाहता हूँ। इट डिपेंड्स कि उसको कभी एक्सपोजर मिले, वो एक्सपीरियंस करे उस फीलिंग को कि बास्केटबॉल खेलना कैसा होता है, या कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो वो फिर कैसे किसी चीज में इंटरेस्ट डिवेलप कर लेंगे। और द सेम थिंग्स अप्लाई टू आवर कोर्सेज इन आवर स्टडीज, कि अगर एक सब्जेक्ट बच्चे ने मैट्रिक तक पढ़ा ही नहीं है तो किस तरीके से वो ये कह सकता है कि भाई फ्यूचर में मैंने ये सब्जेक्ट परसू करना है। उसको उस सब्जेक्ट का जो है एक्सपोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमने अभी तक जो गुफ्तगू की है वो इंटरेस्ट या पैशन के हवाले से की है, जो कि हमने देखा कि जो ग्रेट पैरागॉन्स होते हैं उनमें ये चीज जो है जरूर पाई जाती है, यानी पैशन। दूसरा जो हमने एलिमेंट की बात की थी वो थी डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी जो चीज आपको पसंद है, जो चीज जिस चीज का आपको शौक है उसकी आप रोजाना पाबंदी के साथ प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ हवाला दिया गया है एंड्रयूज एरिक्सन का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्टडी किया है एक्सपर्ट्स को, उन्होंने एथलीट्स को स्टडी किया, म्यूजिशियंस को स्टडी किया, साइंटिस्ट को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि इन तमाम लोगों की जो स्किल्स डेवलपमेंट है उनकी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सेम है, और वो डिपेंड करती है कि वो अपने उस स्किल को पॉलिश करने के लिए कितना वक्त और कितनी प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे डेलिब्रेट प्रैक्टिस का वर्ड जो यूज किया गया है, डेलिब्रेट का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि बस आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और इट्स जस्ट लाइक अ माइंडलेस प्रैक्टिस कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि एक इंटेंशनल गोल होना चाहिए आपके माइंड में कि आप एक चीज को लेके बैठे। मतलब अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैंने कैलीग्राफी सीखनी है, तो उसने अपने आप को आमादा करना है रोजाना कि मैंने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ उसने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी एक मखसूस टाइम निकालना है, एक अपने आप को एक मखसूस जो है माइंड फ्रेम में जाने के बाद ये चीज करनी है। ये चीज बस ऐसी नहीं है कि जैसे खेल खेल में कोई चीज हो रही है। अगर आप समझते हैं तो इसमें आपको किसी कोच या टीचर की भी हेल्प लेनी पड़े, तब भी ये बात ठीक है कि आपको कोई बंदा इस चीज में गाइड करे कि क्या आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। बीच बीच में मोबाइल फोन चेकिंग नहीं होनी चाहिए, डे ड्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप एक काम में महव हो गए, उस काम में लग गए, तो आप टोटली जो है वो उसके अंदर जो है आपको मुकम्मल कंसंट्रेशन है वो काम करना चाहिए। अच्छा, जब आप वो काम कर लें, जब आपने वो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कर लें, तो उसमें एक फीडबैक भी होना चाहिए कि आपको या तो आपका कोच या टीचर फीडबैक दे कि वो काम आपने कैसे किया है, या आप खुद जो है वो उसको एनालाइज करें कि वो चीज जो है वो बेहतर हो रही है वक्त के साथ या नहीं, और फिर उसको आप एडजस्ट करें या उसको रिफाइन करें बेस्ड अपॉन योर फीडबैक, कि जब आप अगले रोज जब उसको रिपीट करेंगे तो उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे जो आपसे आज गलतियां हो गई हैं। यानी ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है ये बेसिकली इस सेंस में हो रही है कि अपने अंदर भी ग्रिट कैसे पैदा किया जाए और अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में कैसे ग्रिट पैदा किया जाए। तो ये इन्होंने देखा कि
जो एक स्टडी की गई डिफरेंट चैंपियंस के ऊपर, के जो स्पेलिंग बी के चैंपियंस थे, ये स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है, इसके जो विनर्स होते हैं इनको देखा गया कि जो ग्रिटी कॉम्पिटिटर्स हैं फ्रॉम एज ऑफ 7 टिल 14, जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की थी, डेलिब्रेट प्रैक्टिस की थी, जब उनसे इंटरव्यूज किए गए कि क्या चीज है कि वो स्पेलिंग बी में जीत गए, तो उन सबका यही कहना था कि हमने जो है वो एक रेगुलर एक्टिविटी के तौर पे, एक डेली बेसिस पे हमने इसकी प्रैक्टिस की है, और जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा उनकी स्किल्स पॉलिश होती जाती हैं, और उनको अपनी प्रैक्टिस करने से, अपना जो है वक्त लगाने से उलझन नहीं होती, बल्कि वो उसको एंजॉय करते हैं अपनी इस प्रैक्टिस करने। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स में किसी भी चीज की प्रैक्टिस की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो एक रूटीन होना चाहिए ताकि वो चीज रोजाना एक ही टाइम पे रिपीट हो, और बच्चे का एक टाइम टेबल फॉर्म हो जाए कि उसने अपने पैशन के अंदर जिस चीज को चूज किया है उसकी उसने डेली प्रैक्टिस करनी है, और वो एक कोच भी जो है अपना बना सकता है, वो उसके घर में उसके वालदैन हो सकते हैं, उसके टीचर हो सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बॉसेस हो सकते हैं, कि जिन जिन पे वो ट्रस्ट करते हो और जिनसे वो एक ओपिनियन ले सकें, कैंडिड ओपिनियन ले सकें कि वो अपनी इस प्रैक्टिस को, इस एक्टिविटी को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज का, जिसको हमने कहा है पर्पस, यानी मकसद का क्या ताल्लुक है, क्या किरदार है किसी भी शख्स के ग्रिटी होने में। इनका ये कहना है कि जो इन्होंने तहकीक की है बहुत सारे अफराद पे, तो ऐसे लोग जो एक बड़ा मकसद अपना बनाते हैं अपने शौक को हासिल करने के लिए या किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, तो उनमें कॉमन बात ये होती है कि उनका पर्पस बियॉन्ड द सेल्फ पर्पस होता है, यानी अपनी जात से भी बढ़ के होता है। जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं अपने इलाकों में, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो उनका मकसद उनकी जात तक महदूद नहीं होता, बल्कि उनका मकसद उनकी जात से भी बढ़ के होता है। जो दूसरों की फलाह की बात करते हैं, दूसरों की बेहतरी की बात करते हैं, तो ऐसे मकसद बनाने से जो है वो ग्रिट और बढ़ जाती है, और ना सिर्फ आप ये कहें कि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, बल्कि आपके कामों से दूसरे अफराद भी मुस्तफीद होते हैं। अगर हम ये देखें कि बच्चे से पूछा जाए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने इस पर्पस को स्टडी किया कि मुख्तलिफ जो बच्चे हैं उनका पर्पस लाइफ का क्या होता है, और वो किस चीज में मैंने किस चीज के लिए मेहनत करने के लिए आमादा हो जाते हैं, वो क्यों मेहनत ज्यादा करते हैं। जब इन्होंने ये सवाल किया टीनेजर से, तो मुख्तलिफ लोगों की इसमें राय आई और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्ड किया, तो जब यानी जब इन्होंने एक एक जो है वो उम्र रसीदा लोगों से पूछा, उसका जवाब कुछ और था, जो यंग जो यूथ से पूछा उसका जवाब अलग था, लेकिन जब टीनेजर से पूछा कि भाई क्या चीज है, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों का जवाब ये था कि हम ये चाहते हैं कि दुनिया जो है, हमारी जो वर्ल्ड है, इट शुड बी बेटर, और हम इसको बेहतरी की तरफ ले जा सकें। अब चूंकि ये जो मोटिवेशन है, ये जो पर्पज है, ये बियॉन्ड द सेल्फ है, तो इस तरह की सोच रखने से उन्होंने देखा कि जो बच्चे अपनी जात से भी बढ़ के सोचते हैं उनके एकेडमिक रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं। यानी एक बच्चा ये सोचे कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि दूसरों की जिंदगी को मैं बेहतर बना सकूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक शख्स दूसरों की बेहतरी की बात करता हो और वो खुद बेहतरी की तरफ रागिब ना हो। तो जब स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के, हमारे यूनिवर्सिटीज के, जब अपना एम, अपना पर्पज इस तरह का बना लेते हैं कि वो उनकी जात से भी बढ़ के होता है, तो उनको उन उस चीजों का अपनी जात पे भी फायदा जरूर मिलता है, अपनी जात की बेहतरी की सूरत में। अच्छा, जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप इतना बड़ा प्लान कर रहे हो, तो बच्चों के लिए काफी
यानी इम्पोर्टेंट होता है कि उनको एक रिलेटेबल पर्सनैलिटी मिल जाए, एक ऐसा रोल मॉडल मिल जाए जिससे वो अपने आप को रिलेट कर सकें। और कोई टीचर हो सकता है रोल मॉडल, उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं जिन्होंने एक पर्पसफुल लाइफ गुजारी हो। और अगर फैमिली में ना हो तो सोसाइटी के अंदर ऐसे हमारे पास ग्रिट पैरागॉन्स हैं जिनको देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं और वो उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी की वजह से दूसरों की जिंदगी में जो बेहतरी आई हुई होती है उससे इंस्पायर होते हैं। तो बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो विटनेस कर सकें ऐसे रोल मॉडल्स को कि जिनकी जिंदगी ने दूसरों की जिंदगी पे इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया है और वो अपने मकसद को रिफाइन कर सकें उनसे डिस्कशन करके। यानी जब वो अपना पर्पस बिल्ड कर रहे हों, जो कि ग्रिटी, हमने कहा कि ग्रिटी पीपल के अंदर जो थर्ड क्वालिटी है, जज का जो थर्ड कंपोनेंट है पर्पस, जो किसी शख्स को ग्रिटी बनाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि इनके पास एक रोल मॉडल का भी की अवेलेबिलिटी या कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए। हम लास्ट अपने कंपोनेंट पे आ गए हैं, होप पे, और हम देखना चाह रहे हैं कि ग्रिट का होप से क्या ताल्लुक है। तो होप फुल होना, पुर उम्मीद होना, ये आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है क्योंकि हर किसी शख्स का कभी ना कभी कोई बुरा दिन जरूर आता है, कोई रुकावटें आती हैं, कुछ नाकामियां होती हैं, किसी चीज पे झुंझलाहट होती है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, यानी ये सब वो चीजें हैं जो यानी जिंदगी का हिस्सा है। इससे कोई मुबर्रा नहीं है, कोई शख्स नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई बुरा वक्त कभी नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके ऊपर ऐसा बुरा वक्त आएगा, जब आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, तो आप वापस कैसे खड़े होंगे? तो ये वो चीज है होप जो आपको दोबारा खड़े होने में मदद देती है कि आप इस चीज के सहारे दोबारा उठ जाते हैं, इस उम्मीद के सहारे कि भाई अगला वक्त जो आएगा वो अच्छा आएगा, या मैं अगली दफा अपनी चीज को बेहतर कर लूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर लूंगा। तो ये यहाँ से ग्रोथ माइंडसेट का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कैरल ड्वेक ने पेश किया, कि वो लोग जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो हमेशा अपने आप को अडेप्ट करने के लिए आदत होते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप पे चैलेंज आता है, जब भी आप चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं, तो आप ग्रो करते हैं। और हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि वो भी जो है उसकी जो वायरिंग है, जो न्यूरॉन्स हैं, उसके कनेक्शन जो हैं वो रीमेक होते हैं। वो जो है वो बेसिकली हमें कहना चाहिए कि वो अडेप्ट करते हैं, वो उसके अंदर रिकन्फिगर हो जाते हैं जब हम किसी भी चीज के अंदर फंस जाते हैं, किसी मसले में फंस जाते हैं, और फिर हम एफर्ट करते हैं उससे निकलने की और रीथिंक करते हैं किसी और सोल्यूशन की तरफ। तो हमें, ये हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को छोटी छोटी विक्ट्रीज का जो एक्सपोजर दें, जैसे स्कूल्स में भी होता है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं और दीगर चीजें होती हैं, कि उसमें हर तरह का शौक रखने वाला बच्चा कभी ना कभी जरूर जो है वो विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। और ये जो होप है बेसिकली ये आपको आगे बढ़ने का और जीने का मकसद देती है कि कभी ना कभी मैं इस चीज को और बेहतर तरीके से कर सकूंगा। यहाँ पे जो है वो मैं अपनी डिस्कशन को क्लोज करता हूँ, और लास्ट जो हमारी स्लाइड है ये ग्रोथ माइंडसेट की है कि ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि ह्यूमन नेचर इज मैल्यूएबल। आप नहीं कह सकते कि भाई एक बच्चा जो है वो बस बचपन से ही ऐसा था, या ये बेचारा जो है बच्चा कोई पैदाइशी तौर पे जो है कमजोर था, जहनी तौर पे कमजोर था, ये बातें अब नहीं हो सकती। ह्यूमन नेचर इज मैल्यूएबल, ह्यूमन ब्रेन इज अडेप्टिव। फिक्स माइंडसेट जो लोग रखते हैं सिर्फ वो अफराद हैं जो ये तस्लीम कर लेते हैं कि वो बेहतर नहीं होते, तो वाकई वो बेहतर नहीं होते। और जब भी कोई शख्स किसी भी एज में, किसी भी हालात में इस बात पे आमादा हो जाए कि उसने अपने आप को बेहतर बनाना है, तो वो अपने आप को बेहतर बना लेगा। इसमें ना एज मैटर करती है, ना फील्ड मैटर करती है, ना इलाका मैटर करता है। हमें बस एक ऐसा माहौल डेवलप करना है अपनी क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपने घर में, जहां बच्चे इस बात पे यकीन रखें कि दे कैन डू। जो कैन डू वाली अप्रोच है वो हमें अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है डिस्पाइट ऑफ फेलियर्स। उसको ये पता होना चाहिए कि एक काम अगर मैं नहीं कर सका तो ये सबके साथ होता है, ये दोबारा कर लूंगा, कभी और कर लूंगा। यानी उस पे बच्चों की सरजनिश करना
बच्चों को नेगेटिव फीडबैक देना, खासतौर पर डिस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। और किसी भी तरह के फेलियर में उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, उसकी गलतियां बताना, उस गलतियों को दुरुस्त करने का तरीका बताना, ये वो चीजें हैं जो एक बच्चे के अंदर जो है यानी उसके अंदर एक होप पैदा करती हैं कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी चीजों को अपनी बेहतर कर सकता हूँ। और कॉम्पिटिशन से ज्यादा कोलेबरेशन का माहौल पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस आई ओपन द फोरम टूवर्ड्स द ऑडियंस के आप में से जो भी लोग सवाल करना चाहें, जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो वो चैट में सवाल कर सकते हैं। और फरीन अगर इजाजत दें तो लोग अपने माइक भी म्यूट कर सकते हैं। फरीन ऐसा हो सकता है? यस, इफ दे कैन रेज देयर चलें हैंड आई विल आस्क देम टू अनम्यूट ठीक है देयर ठीक है। माइक्स। तो एज पर द प्रोटोकॉल आप में से जो भी क्वेश्चन करना चाहे तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, फरीन को जो है इस सेशन का जो है पार्ट बना हमारे लेंगी। पास टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस लेंगे, सो इफ यू वांट टू श्योर आस्क क्वेश्चंस तो आप अपने वर्चुअल हैंड रेज करें, सो आई विल अनम्यूट योर माइक। ठीक है, वैसे इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है ये, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है दैट वाज वंडरफुल, बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विद एक्सप्लेनिंग दिस एंड देन कनेक्टिंग इट विद द रिसर्च, और फिर इसके बाद हाउ टू इनकल्केट इन दिस क्लासरूम, यू नो, मेकिंग स्टूडेंट्स माइंड ग्रोथ माइंडसेट की तरफ उनको ले जाना, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आर्नल्ड का एक कोट इससे रिलेट कर सकती हूँ कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर दैट इज स्ट्रेंथ। तो हमारी जितनी भी जो मतलब जो कुवत है वो डिपेंड करती है कि हम जितनी ज्यादा ज्यादा सख्तियों से गुजर के अपनी स्ट्रेंथ को बेयर करें और स्ट्रेंथ हासिल करें, उसके बाद फिर हम जो है वो मजीद अपने उसमें सीखते हैं। आई थिंक कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को, और आई होप टीचर्स हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड्स। अच्छा, एक जरूरी थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट है। मीनवाइल अगर लोग जो क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं दे कैन राइट देयर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। हम जो है वो ये सारे विंटर कैंप के एंड के बाद, लाइक आफ्टर द लास्ट सेशन, वी आर गोइंग टू सेंड फीडबैक फॉर्म टू एवरीवन, और वो फीडबैक फॉर्म जब आप फिल करेंगे देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट, बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन आर फेसबुक पेज दैट इन सेशंस के सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं आ रहे। सो सिंस इट्स अ कैम्प, सो अब सब लाइक जितने सारे ओवरऑल 7 सेशंस हैं, व्हेन वी विल कंक्लूड दैट, तो उसके बाद आपको एक फीडबैक लिंक भेजा जाएगा थ्रू ईमेल। यू हैव टू फिल दैट फीडबैक लिंक एंड देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। ठीक है, आई होप अब हम वी आर रेडी टू कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच मिस्टर बाकर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड डूइंग अ वंडरफुल सेशन फॉर इट। थैंक यू वेरी मच फरहीन फॉर अरेंजिंग दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स टू Yes, बी विद अस ऑन फेसबुक एंड जूम। and थैंक it's a यू। weekday. I know कि इस वक्त टीचर्स के लिए इट्स अ वेरी हार्ड टाइम, क्योंकि इस वक्त पेपर्स, मिड टर्म, एंड ऑफ द टर्म, बहुत सारी चीजें करने को होती हैं, एंड देन टीचर्स आर स्टिल इंटरेस्टेड टू लर्न एंड टेकिंग आउट टाइम ड्यूरिंग देयर आफ्टरनून, व्हिच इज मोस्टली लाइक यू नो एट देयर रेस्टिंग टाइम, बट देन टीचर्स दिस इज एक्चुअली देयर ग्रेट टू लर्न। यस, ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू ओके सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।